माय नेम इज़ अनुजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत और बहुत स्वागत है। ओके गाइस, आप मेरे बाल ये उड़ते हुए देख रहे होंगे। उड़ते हुए इसलिए कोई फैन नहीं है क्योंकि मैं छत पे हूँ एंड स्टिल अभी है ये देहरादून का मौसम। माय गॉडनेस, ऑसम, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश आने को है। अभी जस्ट स्टिल थोड़ी देर पहले बारिश धूप लगी हुई थी एंड अभी ऐसा मौसम हो चुका है एकदम से काले बादल। उस साइड भी खूब काले बादल है, इस साइड फिर भी रोशनी हो रही है। बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर मौसम। आपको दिखाती हूँ वो साइड बिल्कुल, वहाँ पे इस टाइम पे शायद से मे भी बारिश हो रही होगी इसलिए वहाँ पे उतने ज़्यादा क्लाउड्स हैं, वो भी डार्क डार्क एंड वो साइड बिल्कुल रोशनी सपाट। अभी थोड़ी देर में बिल्कुल धर बारिश आ जाएगा। इवन आपको मैंने बताया भी है कि मेरे बगल में जो प्लॉट है वहाँ पे मकान बन रहा है एंड शायद से आज या कल उनका लेंटर का काम है और मौसम बिल्कुल बारिश वाला होता है, पता नहीं इनका लेंटर कैसे डलेगा। एंड कुछ दिन पहले आपको अगर मेरी वीडियो में देखा होगा आपने तो मेरी यहाँ पे नोज़ पे जो है एक पिंपल हो रखा था, देन उसके बाद मेरे इधर साइड में पिंपल हो गया था एंड अभी तो फ़िलहाल वो थोड़ा बहुत ठीक है। एंड उसके लिए जो मैंने काम किया था वो ये किया था, बेसिकली जो है घर पे वो हर लोग कोई जानता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोलगेट लगा देते हैं, बट कोलगेट उतनी जल्दी आपको नहीं दे पाता है रिज़ल्ट। सो जो मैंने करा है वो मैं आप लोगों के साथ आगे चल के जो वीडियो लाने वाली हूँ वो मैं इस तरीके से वीडियो लाने वाली हूँ कि उसमें एक तो फेस की टिप्स होंगी जितनी भी, या जितनी भी ब्यूटी टिप्स होंगी वो मैं आप लोगों के लिए उस वीडियो में लाने वाली हूँ। एंड अचानक से बिल्कुल हवा बंद हो गई, पता नहीं क्यों। तभी कहती हूँ मैं कि देहरादून के मौसम का कोई पता नहीं है कि अभी पल भर में ऐसा होगा, पल भर में ऐसा हो जाएगा। एंड यस, क्या करें, अभी थोड़ा ठंडा ठंडा सा तो मौसम हो गया है, मे बी शायद बाद में गर्मी हो जाए क्योंकि देहरादून में यही इशू है कि तीन चार दिन से ऐसा हो रहा था कि बारिश आ रही है धूप आ रही है, बारिश आ रही है धूप आ रही है, तो मौसम थोड़ा मॉइस्चर हो जाता है, उसमें थोड़ा चिपचिपा सा हो गया था। बट स्टिल अभी तो जैसे कि हवा चल रही है एंड बारिश का मौसम होने वाला है तो बारिश आ जाएगी तो ऑब्वियसली ठंडा भी हो जाएगा। वेट वही कर रही हूँ कि ठंडा हो जाए बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। चलिए अब नीचे चलते हैं क्योंकि अगर अभी शायद थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी इसलिए कपड़े लेके नीचे चलते हैं। चलिए, एक और चीज़, मेरा भाई हमेशा जो है छत की टेरेस पे जो है वो रखता है गेहूँ। अब तो गेहूँ भी रखने लगे, पहले पानी रखता था, अब गेहूँ भी रखने लग गया है एंड वहाँ पर बर्ड्स आती हैं, पानी पीती हैं और गेहूँ खाती हैं। बारिश का मौसम हो रहा है पर उनका काम अभी शुरू हो चुका है, फिलहाल वो लोग लाइटनिंग वगैरह लगा रहे हैं। फटाफट हो जाए तो अच्छा है, किसी का काम रुकना नहीं चाहिए, किसी का काम तो रुकना नहीं चाहिए। पर ये घर बना और हमारे घर के अंदर अंधेरा हो गया बिकॉज इधर का पूरा जो है वो कवर हो चुका है और फिर घर के अंदर अंधेरा हो जाता है। हमारा बिजली का बिल, पड़ोसी भी ज़रूरी चाहिए और इवन पूजा के ट्यूशन के बच्चे भी आ चुके हैं। पूछा अभी बहुत बिजी, अभी ट्यूशन के बच्चे पढ़ाने हैं, अपने ट्यूशन के बच्चे मॉर्निंग में बुला लिए बिकॉज शाम को थोड़ा प्लान वगैरह है। सो अब मैं गाइज़ आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ बिकॉज मुझे कन्नू को स्पंज देना है एंड उसकी मालिश करनी है। अब मैं उसकी तीन टाइम मालिश करने लगी हूँ बिकॉज पहले मैं दो टाइम करती थी, देन उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि तीन टाइम मालिश करना अच्छा होता है तो अब मैं तीन टाइम करती हूँ, एक मॉर्निंग में, एक नहलाने के बाद और एक रात को। सो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ बिकॉज अगर मैं वीडियो बनाने लगी तो बहुत चैचे चिल्लाती है तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी, देन मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक इसलिए बिकॉज कन्नू को स्पंज वगैरह देना था एंड अपने यहाँ भी फ्रेश होना था सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड स्पंज एंड मालिश की वीडियो मैंने इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही है, अब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती, बहुत ज़्यादा रोते हुए स्पंज करते हुए बहुत ज़्यादा रोती है। सो उससे मेरे से ज़्यादा उसकी आवाज़ आती है इसलिए मैंने वीडियो उसमें क्लिप जो है वो शेयर नहीं करी। एंड आज मेरे आने वाले हैं सास ससुर,
मम्मी पापा आने वाले हैं कन्नू को देखने के लिए, बिकॉज़ मुझे यहाँ आए हुए 12-13 डेज़ हो गए हैं। सो मम्मी पापा से कन्नू को देखने के लिए आ रहे हैं। एंड वन मोर स्पेशल थिंग जो मेरे हर वीडियो में होती है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक स्पेशल थिंग ये है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है, जिसे मैंने आपसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। उसका जस्ट अभी फ़ोन आया है कि वो कन्नू से मिलने आ रही है, बिकॉज़ वो कन्नू से नहीं मिली है। एंड मुझसे भी वो मे बी शायद से शादी के बाद, या शादी के बाद से नहीं मिली है। सो वो आ जा रही है, उसका नाम है रीता। एंड उससे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। एंड ये शादी के बाद मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद होगा। पापा जी जो है वो आए थे जब कन्नू को मैं यहाँ लेके आई थी, तब साथ में आए थे। बट मम्मी पापा 1.5 साल के बाद अब आ रहे हैं, जब मेरे को देखने आया करते थे। पहले मुझे देखने आए थे, देन उसके बाद मुझसे मिलने आया करते थे। देन उसके बाद शादी हो गई, जब मैं उनके यहाँ चली गई तो वो नहीं आए। उन्होंने बोला हमारी बेटी हमारे पास आ गई, तो अब क्या करना वहाँ जाके। इसलिए अब वो आ रहे हैं मुझे देखने और कन्नू को देखने के लिए, क्योंकि 12-13 डेज़ हो गए थे ऑब्वियसली, जो मैंने आपको बताया। एंड मम्मी तो कन्नू को बहुत ज़्यादा मिस करी। इवन मेरे पास फ़ोन आया मम्मा का, तो मम्मा बोल रही है कि मैं तो उसकी वीडियो देखती रहती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। सो वो आ रहे हैं। एंड इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखती हूँ। चलिए, इसका मैं वेट कर रही थी, वो मेरी फ्रेंड आ चुकी है। एंड हियर शी इज, रीता। ये मेरे बच्चे के मतलब 2 महीने पूरे हो चुके हैं, उसके बाद अब आ रही है। और ये सिर्फ नाम का धब्बा होता है ना, धब्बा जिसपे स्टैंप लग जाती है बेस्ट फ्रेंड की, ये वो है। और वो मेरा चांद का टुकड़ा, मेरी बात की पक्की है। उसने मुझे मॉर्निंग में बोला कि अनुजा मैं एक बार आऊंगी, और आई। और ये देखो, ये देखो बेशरम, ये रोता रीता की छोटी बहन है। कैसा लग रहा है पहली बार बच्चों को पकड़ के गोद में? अच्छी तरह पकड़ा रहे, रोई भी नहीं वो। तेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तेरा टाइम आएगा। रोया भी नहीं मेरे पास। रोदे मैंने सुना है, एक बार रोदे की बेइज्जती कर दे। रोजे मैं सामने आ गई बेटा, रो दे कि कल्लू का ये है, एक बार मैं सामने चल जाऊँ तो वो रो जाती है। मम्मी पापा भी आ रहे हैं। एंड थोड़ी तैयारी व्यारी भी करनी है, तैयारी व्यारी इस तरीके से, क्योंकि मैंने सोच रखा है, क्योंकि मम्मी पापा जब भी आते थे, फोन लगा दूँ, ओके। तो मम्मी पापा जब भी आते थे तो उनके लिए हमेशा पकौड़े बनाती थी। एंड मेरे पापा हमेशा उस पकौड़े को बड़े चाव से खाते थे एंड पूरा फिनिश कर देते थे। सो मैंने सोचा है कि आज भी जब वो आएंगे तो मैं उनके लिए पकौड़े ही बनाने वाली हूँ। एंड स्पेशली पकौड़े मैं ऐसे बनाती थी कि पकौड़े में जो मेरे एक स्पेशल वो है पकौड़े बनाने का, कि मैं उसमें लहसुन को कूट के लहसुन का पानी डालती हूँ, जीरा डालती हूँ, लहसुन के पेस्ट से वो जो है बहुत अच्छा बनता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है। बट इस टाइम पे सावन चल रहे हैं तो मैं नहीं डाल पाऊँगी लहसुन का पेस्ट। सो मम्मी पापा का वेट कर रही हूँ एंड पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चलिए, जब शादी हो जाती है या सास ससुर आते तो ऐसा करना पड़ता है। सीख ले मैं उनसे कुछ सीख ली। शादी के बाद जिंदगी में भूकंप आ जाता है। ओके गाइस, तो मेरे पकौड़े बन चुके हैं, अब वक्त है थोड़ा रेस्ट करने का, बैठते हैं अब बातें करते हैं। चलिए।
ओके गाइस, सो रीता एंड मक्खू एंड मम्मी पापा लोग जा चुके हैं एंड मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज इतना ज़्यादा काम हो गया था. यू नो, घर पे अगर कोई लोग आ जाएं, मम्मी पापा या चाहे कोई भी हो, खातिरदारी पूरी करनी पड़ती है. उसके बाद ऊपर से मम्मी पापा कन्नू को देखने आए थे एंड मैंने आपको बताया भी होगा कि पापा की फेवरेट है मेरे हाथ के बने हुए पकौड़े. सो वो जब भी आते हैं मैं ज़रूर बनाती हूँ. एंड चले गए सब लोग. अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल फुल बन रखा था घर और हल्ला पुल्ला हो रखा था एंड अभी बिल्कुल शांत हो गया है. एंड इवन कल रात को कनु भी 2-3 बजे तक सोती रही बिकॉज वो दिन में पूरी दिन सो रही थी. एंड आज भी उसने बिल्कुल वैसे ही करा है कि वो पूरा दिन सोती रही, मॉर्निंग में भी सोई, दिन में भी सोई और अभी भी सो रही है. सो मुझे लगता है आज रात भी वो जागरण करवाने वाली है. यस, एग्जैक्टली, आज भी करवाने वाली है. सो ये था मेरा आज का दिन. एंड गाइज, आप लोग मेरी वीडियोस को व्यू तो बहुत कर रहे हैं. यस, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा व्यूज़ हो रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग, व्यूज़ के अकॉर्डिंग लाइक नहीं हो पा रहे हैं. आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहे हैं बट गाइज, ऑनेस्टली आई एम वर्किंग वेरी हार्ड एंड मैं वीडियोज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ. उसे एडिटिंग करना, टाइम देना, बच्चे के बावजूद होने के बाद उसको एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जो मैं कर रही हूँ. एंड इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे उसका फल ज़रूर दीजिए बिकॉज मैं जो अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लाइफ भी नहीं बट एक पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है. एंड इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है ताकि मैं अपना कुछ टाइम यूट्यूब के साथ, कुछ टाइम जो मेरा हैप्पी या सैड मोमेंट होता है वो मैं आप लोगों के साथ बिता सकूं. एंड सो मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड वन मोर स्पेशल थिंग, एडवाइजेस आर मोस्ट वेलकम. एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.